पूरे देश में गणेश उत्सव शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार गणेश उत्सव के पंडालों में अध्यात्म और विज्ञान की झलक एक साथ दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में है, हम जहां पर आपको अगर हम तस्वीर दिखाएं तो यहां आप देखिए किस तरह से जो चंद्रयान मिशन है उसको लॉन्च किया गया है, उसकी झलकी यहां पर दिखी है, और इसके अलावा जो G20 की सफलता है वो दिखाई दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा आयोजन है ये श्री गणेश मंडल की तरफ से किया गया है लक्ष्मी नगर के बैंक इनक्लेव के पास। अब जरा आप यहां पर तस्वीर देख लीजिए, आप यहां तस्वीरों में देखेंगे प्रज्ञान रोवर आपको यहां पर नजर आएगा, जिस रॉकेट से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था वो यहां पर नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको देखिए कुछ एस्ट्रोनॉट की रेप्लिका भी यहां पर नजर आएंगी। दरअसल भारत जो है आने वाले कुछ महीनों में अपना मिशन गगनयान शुरू करेगा, जो कि स्पेस में मानव को भेजने वाला पहला मिशन होगा। साथ ही यहां पर देखिए G20 जिसकी सफलता की चर्चा पूरी दुनिया में है उसकी झलक भी यहां पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि दुनिया में इस वक्त दो चीजों की चर्चा हो रही है, G20 जिसे हाल ही में सफलतापूर्वक आयोजन जिसका किया गया, इसके अलावा चंद्रयान मिशन 3 साउथ पोल पर पहला मिशन है दुनिया में किसी भी देश का जो कि साउथ पोल पर गया था, तो उसकी झलकियां साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जो श्री गणेश सेवा मंडल के पदाधिकारी हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि अध्यात्म के साथ विज्ञान की झलकियां भी यहां पर नजर आ रही हैं। देखिए साहब, मैं महेंद्र लड्डा, संस्थापक श्री गणेश सेवा मंडल दिल्ली रजिस्टर्ड, जो कि 22वां साल है इस संस्था का, और हर साल इस संस्था में आपको देश के प्रति कुछ न कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि देश है तो हम हैं, हम है तो देश नहीं है, ये हमारा लोगो हमेशा रहा है। कॉमनवेल्थ में हुआ था तो हमने शेरा को भी दिखाया था गणपति जी आशीर्वाद देते हुए, अब हमारा G20 हुआ, हमारे अन्य देशों के इतने प्रधानमंत्री गणमान्य लोग आए, तो हमें ये गर्व था कि भाई हमारे देश में भारत देश का गौरव उनको हम दिखाएं। इसलिए हमने हमारे जितने भी एंटायर दिल्ली NCR में बोर्ड होर्डिंग पोस्टर लगे हैं, हर किसी पे आपको G20 का लोगो नजर आएगा। हमारे जो कार्ड बने गणेश महोत्सव के 2500-3000 कार्ड बनते हैं, उसमें भी आपको G20 का लोगो नजर आए, मतलब एक गौरव का विषय है कि गणेश सेवा मंडल आए हुए सब लोगों का वेलकम कर रहा है और गणेश जी विघ्नहर्ता से कह रहा है कि हमारे विश्व में शांति करें। सर, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताइए थोड़ा इधर आके कि ये क्या क्या है और क्या इसके पीछे आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, हमारा चंद्रयान अभी अभी एक हमारे विश्व में भारत का नाम जिस गौरव से ऊंचा हुआ और हम सभी भारतीयों का कॉलर बड़े नाद से ऊंचा हुआ, उसके लिए हमने गणेश जी से प्रार्थना करी कि हमारे विश्व में हमारे भारत देश विश्व गुरु के कगार पे आगे आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी ये विश्व गुरु बन जाएगा। उस विषय में चंद्रयान के साथ साथ हमने जो भी और चीजें की है उसमें हमारे संयोजक सचिन गुप्ता जी इस विषय में बताएंगे। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं, देखिए गणेश जी की जो मूर्ति है वो स्थापित कर दी गई है, शाम में यहां पर प्रोग्राम शुरू होगा, उसकी भव्यता भी नजर आएगी, लेकिन उसकी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। देखिए यहां पर जो 3 एस्ट्रोनॉट की रेप्लिका यहां पर रखी गई है, इसके अलावा जो रॉकेट है इसरो का जो रॉकेट होता है जिससे अमूमन जो मिशन लॉन्च किए जाते हैं उसकी रेप्लिका यहां पर रखी गई है, इसके अलावा आप देखेंगे ये जो प्रज्ञान रोवर जिसने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और इतिहास बना दिया, चंद्रमा की बहुत सारी उपयोगी जानकारी इकट्ठा की, उससे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर को नई नई जानकारियां मिलेगी वो यहां पर मौजूद है। तो ये तस्वीर यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है, यही दिखाने की कोशिश है कि भारत वो शक्ति है जो अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान दोनों दिशाओं में आगे बढ़ता है। सर, हम देख रहे हैं कि यहां पर ये एस्ट्रोनॉट की रेप्लिका भी लगाई गई है, तो क्या हम ये माने कि जो गगनयान लॉन्च किया जाएगा जिसमें जो मानव मिशन है उसको भी आपने इसको इसमें समाहित किया? देखिए, गणपति की कृपा से जो इसरो हमारे ऊंचाई पे जा रहा है और उसके लिए हमने जो गगनयान मानव यान होगा पहला मिशन होगा जी जी। और मेरे ख्याल से पूरे संसार में पहला मिशन है मानव यान, तो उसकी झलके हमने भविष्य में गणपति पे रखी है जो सफल तरीके से लॉन्च हो, और इसरो को बहुत बहुत बधाई। मतलब ये आप कामना कर रहे हैं कि सफलता से लॉन्च होगा? तो देखिए, ये कह रहे हैं कि जो गगनयान है जो कि भविष्य में लॉन्च किया जाना है जिसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं, उसकी भी रेप्लिका यहां पर एक तरह से रखी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर ये बड़ा भव्य पंडाल यहां पर लगाया गया है जहां
जो इसकी थीम है, जो इसमें जो अट्रैक्शन की जो चीज़ यहाँ पर है वो ये मिशन चंद्रयान 3 की रेप्लिका, जो कि यहाँ उसकी झलकियाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, और पीछे जो भगवान गणेश हैं उनका आशीर्वाद साफ तौर पर यहाँ पर यही दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अब जो G20 का जो लोगो, जिससे आप वाकिफ होंगे, वो भी यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि भारत ने हाल ही में 2 बड़ी कामयाबी हासिल की हैं। G20 जो सम्मेलन था उसको बेहद सफलतापूर्वक उसको आयोजित किया, कई बड़े जो अचीवमेंट हैं वो G20 में हासिल किए गए। इसके अलावा उससे पहले चंद्रयान 3 जो मिशन था भारत का, वो लॉन्च किया गया था, उसकी तैयारियाँ किस तरह से की गई थी वो हमने देखा, और फिर सफलतापूर्वक चांद पर चंद्रयान 3 ने कदम रखे और वो इतिहास बनाया, दक्षिणी हिस्से पर उतरने वाला पहला दुनिया का मिशन बना, तो वो रिकॉर्ड भी बना। और उस बीच जो इसरो के जो तमाम मिशन थे वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद सूरज के लिए एक मिशन भेजा गया आदित्य L1, और अब मानव मिशन जो भविष्य में भेजा जाने वाला है उसकी भी यहाँ पर एक तरह से झलकियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और देखिए पंडाल को आप एक बार देख लीजिए किस तरह से इसको सजाया गया है। यहाँ पर जो भगवान गणेश हैं उनकी मूर्ति यहाँ पर लगी है, और पूरा जो मंच है ये लगा है। इसके अलावा इस पूरे इलाके में, पूर्वी दिल्ली के इस इलाके में, यहाँ पर आप देखेंगे जो अभी तैयारियाँ लगभग हो रही हैं, यहाँ पर आज से जो पूजा का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा, और उसके बाद विसर्जन का जो कार्यक्रम है उसको किया जाएगा। तो ये तस्वीर नजर आ रही है, धर्म के साथ साथ विज्ञान की तस्वीर नजर आ रही है, जो भारत में ही नजर आ सकती है। आमतौर पर ये कुछ लोग कहते हैं कि आध्यात्म और विज्ञान दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अलग अलग सिरे पर होते हैं, लेकिन भारत में आध्यात्म और विज्ञान साथ साथ चलते हैं, और उसकी सही तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर गणेश चतुर्थी के पंडाल में साफ तौर पर नजर आ रही है।